हेलो सुत, कैसे हैं आप लोग? तो इसका फाइनल स्टेज आ रहा है, ठीक है। इसमें कल के दिन हमारी टीम पाकिस्तान रहेगी, पहले में हमारी ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है। ओमान नेदरलैंड्स में, हम नेदरलैंड्स के साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं आ रहा तो कोई सेंस बन नहीं रहा है, ठीक है। और इसमें अपन ट्रेडार के साथ रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों कौन सा मैच है, अगर कुछ वहाँ शो करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, टूर्नामेंट का अब एक फाइनल स्टेज आ गया है, ठीक है। अभी भी टूर्नामेंट इस तरीके का बना कि अभी एक भी टीम बाहर नहीं हुई है। अगर एडिलेड यहाँ से सारा मैच जीतती है तो इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। और मैं इतना तो श्योर हूँ कि इन सारी टीमों में कोई दो टीम, तीन टीम सारा मैच हारेगी। दो टीम तो पक्का सारा मैच हारेगी, लगभग आखिरी पोजिशन, मतलब आखिरी मैच तक ये लगभग सारा हारेगा। दो टीम का 8 ही रहना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। तो ये जब आपस में इनका मैच होगा उस हिसाब से डिसाइड होगा। ये टेबल बॉटम है, ये टेबल टॉपर है, ठीक है। पर फिर भी हम इस मैच में एडिलेड के साथ रहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि अभी कोई भी टीम गई नहीं है और ये टीम टूर्नामेंट फंसेगा तभी जब नीचे की टीम ऊपर आएगी और बाकी देखा जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसा तो कुछ है नहीं, आप टीएनटी के साथ रहो, यानिक करिया और आपके क्या नाम है इसका, यानिक करिया और आपका खाया पियरी, इन दोनों को इंटरनेशनल खेलना चाहिए। टेरेंस हाइंड बहुत बड़े अपने आपको कोच समझ रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि टेरेंस हाइंड जैसा प्लेयर टीम में क्यों है, ऐसा उसने क्या कर दिया? उसको 11वें पे आप बैटिंग भी नहीं दे रहे, बल्कि वो हिटर है और आप उसको 4 ओवर बॉलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, बल्कि उसको बॉलिंग का ये भी सेट ही नहीं आता। सेंसलेस, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं। मतलब इनको टूर्नामेंट सीरीज जीतने का कोई सेंस ही नहीं है। आज जो तीसरा ये हारे हैं, टीम कैसी खिला रहे हैं, ना कोई रदरफोर्ड उसमें मेरे को दिख रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग मेरे को खुद को नहीं पता, ठीक है। आपके मैथ्यू फोर्ड को नहीं खिलाया, समार स्प्रिंगर को नहीं खिलाया, समार जोसेफ को नहीं खिलाया और वो टेरेंस हाइंड के 2 ओवर की वजह से लाल हो गए, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं, ये क्यों हारे, ठीक है। पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कभी भी विनिंग कॉम्बिनेशन आपको चेंज नहीं करना है। और टीम में आपको देखिए, पाकिस्तान क्यों हारती है T20 में, अगर आप देखो तो उनके पास क्यों हारी, वर्ल्ड कप में क्यों हारी, वो पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आप बाद में सुन लीजिएगा मेरा प्रेडिक्शन, पर अभी मैं थोड़ा आपको समझ की बात बता रहा हूँ जो मेरे को समझ आती है। पाकिस्तान में अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने शैम आयूब को भी खिलाया, साहिब ज़ादा फरहान को भी खिलाने लग गए, बाबर रिजवान सबको खिलाने लग गए और ये सब के सब ओपनर है, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ एक टीम में आपको ये डिसाइड करना होगा, भले ही आपके पास सचिन, गांगुली, आपके सहवाग सभी के टाइम पे है और सब ओपनर करते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा 2 प्लेयर हमारी टीम में एज एन ओपनर खेलेगा, बाकी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर मिडिल ऑर्डर के होते हैं। फिर वो तीसरा प्लेयर भले ही पूरी जिंदगी से, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सेन वॉन और स्टुअर्ट मैकगुल को कभी साथ नहीं खिलाया, ऑलमोस्ट एक ही को खिलाया, आप दोनों को नहीं खिला सकते, आपको ये डिसाइड करना है इसमें से कौन बेटर है। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी एडिलेड की। लास्ट ईयर स्मृति मंधाना इसमें नहीं थी, लास्ट ईयर स्मृति मंधाना इसमें नहीं थी और इन्होंने टूर्नामेंट जीता था क्योंकि केटी मैक और आपके इनका जो पहला 3 था, केटी मैक ओपन कर रही थी, ये ओपन कर रही थी, ये तीसरे पे आ रही थी और फिर ब्रिजेट पैटरसन आ रही थी, मेडलाइन पेन आ रही थी। अब इस साल इन्होंने क्या किया, स्मृति मंधाना को बीच में घुसा दिया, इसकी वजह से बैटिंग ऑर्डर पूरी चेंज हो गई। और आप ये देख लो, ये सब ओल्ड ब्रेंडर गास जैसी प्लेयर इतने नीचे आ रही है, बल्कि मेडलाइन पेन, इन सबको समय चाहिए थोड़ा रन बनाने के लिए, तो इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया एक बहुत बढ़िया प्लेयर लेने की वजह से। पर मैं बोल रहा हूं क्या जरूरत थी, नहीं थी। आप लॉरा वर्ल्ड को तीसरे पे नहीं भेज सकते, वो वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर है। मैं बोल रहा हूं आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा इन तीनों में कौन 2 खेलेगा, तो फिर आप केटी मैक को निकालो ताकि ये दोनों इस पे रहे और ये सारी टीम इस तरीके से बन सके। मैं हमेशा बोलता हूं फिनिशर फिनिशर होते हैं, ओपनर ओपनर होते हैं, इसीलिए हारे। मैं आपको ये बता रहा हूं इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होकर के, मतलब वर्ल्ड की सारे बेस्ट बेस्ट प्लेयर इनके पास है, फिर भी ये हारे, है ना। इसका रीजन यही है, एक प्लेयर स्मृति मंधाना और इनके कोचेस। अगर आपने स्मृति को लिया फिर आपको इन तीन में किसी 2 ही को खिलाना है और बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करनी, ये मेजर रीजन था, इसकी वजह से पूरा टूर्नामेंट हारते आए हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो होबार्ट में देखा जाए तो ये मेरे को उतनी पसंद नहीं है, बॉल खाती है, ठीक है। और बाकी देखिए, अभी एक टूर्नामेंट शुरू होने वाला है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का इंटरनेशनल, ठीक है। तो सारे प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली अभी तो नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से, अभी कब जाएंगे मेरे को वो भी नहीं पता, ठीक है। इनका फाइनल तो दिसंबर में है, 1 दिसंबर को शायद फाइनल है ना, तो अभी तो सर चलेगा बट कुछ दिन और ये खेलेंगे, ठीक है। निकोला कैरी, अलिसा विलानी, इनकी टीम में तो कोई कमी नहीं है, ये सब अभी T20 स्प्रिंग जीत के आ रहे हैं। और इसके अलावा ये इनके जो तस्मानिया की टीम है हर साल चैंपियनशिप जीतती है, ठीक है। एनी स्मिथ, लॉरेंस भी सब अच्छा करें, पर अपन इनके साथ ताकि टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग रहेगी और मैंने ये भी बताया क्यों हारे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में कल के दिन मैं पाकिस्तान के साथ रहूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इनकी टीम में यही है कि सब मार के खेलते हैं, उसमें कोई नो डाउट है, टीम काफी सॉलिड है T20 के हिसाब से, जैसा मैंने बोला था। पर अपन रहेंगे कल के दिन इनका, मैं चाहूंगा पाकिस्तान डिफेंड करे, पाकिस्तान डिफेंड करेगा तो उनके लिए बेटर रहेगा। ये चेस की टीम नहीं है, कहीं से भी चेस की टीम नहीं है, है ना। ये डिफेंड इनके जो ये 4 बॉलर है आराम से डिफेंड कर सकते हैं कोई भी मैच, जितना भी बनाते सामने वाली टीम की हालत खराब कर सकते हैं, पर इनको डिफेंड पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये कल के दिन हमारी टीम पाकिस्तान रहेगी। ओमान और नेदरलैंड्स का देख लेते हैं। पहले तो मैंने नहीं, मेरे को नहीं पता कि मैंने इसको चालू किया था कि नहीं, कल के दिन हमारी टीम पाकिस्तान रहेगी, मैंने क्या बोला पता नहीं क्योंकि ये शायद चालू नहीं किया था। ये डिफेंड टीम है T20 के हिसाब से, मैं इसको डिफेंड टीम मानता हूँ, कल पाकिस्तान के साथ रहेंगे, ठीक है, सिंपल हो गया। ये टूर्नामेंट कहीं नहीं शो कर रहा तो अपन इसको नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर मैच होता है तो फिर अपन नेदरलैंड्स के साथ रहेंगे। 2 मैच आया है, दोनों कहीं नहीं आया, ठीक है। इसमें आप इनके साथ रहो, इनके प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, पहले दिन भी मैंने इनकी टीम की बोली थी, इनके पास डिफेंड टीम है, 2-3 अच्छे खासे एक्सपीरियंस बॉलर है, ये टीम भी अच्छा कर रही है, केविन विकम फ्यूचर है आपके, इसके कायल मैच अच्छा कर रहे हैं, बट अपन रहेंगे टीटी के साथ, ठीक है। इसके अलावा ये सब मैच शायद नहीं आ रहा कहीं पर भी, फिर भी मैं आपको यही बोलता हूं, कोई भी टीम में 1-2 इंटरनेशनल, जैसे ये तो उसकी है यासमीन खान नामीबिया की है, ठीक है, जहां तक मेरे को याद है ओपन करती है यासमीन खान, अपनी टीम के लिए ओपन करती है, बाकी दोनों ही हुगली इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बाकी इसमें देखा जाए तो एक भी इंटरनेशनल प्लेयर मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है, जहां तक मेरे को याद है। तो आप इनके साथ रह सकते हो, मलाबा जो भी इंटरनेशनल खेल लिया है उनके लिए ये डोमेस्टिक खेलना बहुत आसान हो जाता है। लायंस की टीम में देखा जाए तो इनके पास अच्छी टीम अच्छा कर रहे हैं, पर जैसे जिस हिसाब से इसमें लारा गुडॉल अच्छी हैं आप अगर देखोगे तो, ठीक है। इसके अलावा 1-8 प्लेयर और थी इसमें मैंने देखा था, पर मैं ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फालतू के प्रेडिक्शन का सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। पर अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप इनको ही पकड़ना, ठीक है, मैं शुरू करूँ अगर आता है तो, ठीक है। आइए क्लियर करते हैं, और भी बहुत सारा भी डिस्कशन करेंगे अभी, पहले इसको बताने के बाद। कल के दिन अपन एडिलेड रहेंगे टेबल बॉटम के साथ, ठीक है।
कल पाकिस्तान पकड़ेंगे, नेदरलैंड्स पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन पकड़ेंगे डॉल्फिन्स को, और ये मैं श्योर बिल्कुल भी नहीं हूँ, फिर भी अपन ये दे दिए, ठीक है। देखिए ये टूर्नामेंट अभी अपने चरम पे है, जहाँ तक मेरे को पता है कि चार टीम ही जाएगी, मेरे को बाकी पता नहीं। अभी कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं की है अगर आप देखोगे तो एडिलेड अगर तीनों मैच जीतती है तो इनका 8 हो जाएगा। इनके पास अभी 5 मैच है का गैप है, ठीक है, तो इनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। सिडनी सिक्सर्स टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है अमेलिया केर के आने के बाद। इनके जो स्पिनर्स हैं अमेलिया केर, एश गार्डनर और आपकी सोफिया कैलस्टन, ये डिफेंड करें इनके लिए बेटर रहेगा, ये चेज में इनको दिक्कत होगी, ठीक है। अगर ये डिफेंड करेंगे तो ये 100 रन भी डिफेंड कर सकते हैं, इनकी टीम इतनी स्ट्रॉग हो गई है अमेलिया केर के। मतलब वर्ल्ड की तीन बेस्ट स्पिनर, ऑफ स्पिनर, नंबर वन ऑफ स्पिनर मान के चलो एशलेट गार्डनर, लेफ्ट आर्म की नंबर वन स्पिनर आपकी सोफिया कैलस्टन, और वर्ल्ड की नंबर वन लेग स्पिनर आपकी अमेलिया केर, तो तीन ऐसे स्पिनर आपकी टीम में है, क्यों हार रहे हैं सब, आप खुद सोचो। मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ये नोटिस करना है कि टीमें गलती क्या करती हैं, ठीक है। लास्ट मैच 10 रन से हारे, ठीक है। आप जाकर के स्कोर कार्ड उठाना और देखना, एक प्लेयर है सी ग्रेस सिप्पल, कॉटनी ग्रेस सिप्पल, इसको ना तो बॉलिंग मिली ना बैटिंग मिली। मैं ये बोल रहा हूं, ये जो कोच बैठे रहते हैं ये क्या करते हैं। ये सेम गलती मेलबर्न रेनेगेड्स ने की थी जब इन्होंने अपनी एक जो स्पिनर थी बेकर, उसको ना तो बॉलिंग दी ना तो बैटिंग दी। बैटिंग का न देने का मतलब है कि वो 11वें नंबर पे बैटिंग पे आ रही है, और वो मैच भी रेनेगेड्स हारी। आप 11 प्लेयर की जगह 10 प्लेयर से खेल रहे हो। आप ये चीज नोटिस करो, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो टीम मैच हार जाती है। ये भी एक ट्रिक में आ रहा है मेरा धीरे धीरे, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई टीम झंडू टीम पूरा 50 ओवर तभी से खेलने वाला। अगर आप देखो भाई, आपके पास अब आप वीडियो बन कर सकते हो, मैं सिर्फ अपनी थिंकिंग रख रहा हूँ। आप सिडनी की टीम निकालो ट्रैक्स पे, अमेलिया केर 4 ओवर कर लेगी, एशलेट गार्डनर 4 ओवर कर लेगी, ठीक है, आपकी सोफिया कैलस्टन 4 ओवर कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ 4 ओवर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 रन तो नहीं मरा जाओगे ना, 40-50 तक मरा जाओगे। उसके बाद आपके पास लॉरेंस चीटल वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है डोमेस्टिक की, एक 4th बॉलर आपके पास हो गया। इसके अलावा भी आपके पास देखो तो ब्रे बॉलिंग कर लेती है, मैटलियन ब्राउन बॉलिंग कर लेती है, होली आर्मिटाज बॉलिंग कर लेती है, आप मान के चलो एलिशा परी 4 ओवर कर सकती है, तो फिर आपको और बॉलर क्यों चाहिए। तो आप एक बॉल एक प्लेयर के कम क्यों खेल रहे हो। सी जो इनकी जो एक प्लेयर है कॉटनी ग्रेस सिप्पल, जब आप इसको बॉलिंग भी नहीं दे रहे, बैटिंग भी नहीं दे रहे, तो इससे बेटर है कि भैया आप एक बैट्स बल्लेबाज को खिला लो ना, जो एनी हंटर ने 2-3 मैच खेला, सब में रन बनाया उन्होंने, एल्सा हंटर ने, आप ना उसको खिला रहे हो, ना आप एलिन बर्न्स को खिला रहे हो, ना कारमाइकल को खिला रहे हो, तो भाई आप बैटिंग स्ट्रॉन्ग तभी तो कर पाओगे, लास्ट मैच जीत भी सकते थे। तो ये पॉइंट आप याद रखो, ये चीज आप नोटिस करो, इसीलिए कई टीमें हारती हैं जब एक टीम में एक प्लेयर को खिला लेती है, ना बॉलिंग देती है ना बैटिंग देती है, तो वो टीम हार जाती है, बात याद रखिए, क्योंकि वो 10 प्लेयर से खेल रहे हैं, अल्टीमेटली वो उसको बॉलिंग नहीं दे रहे, आप रखी क्यों रहे। मेरे को समझ नहीं आता इनके कोचेस को समझ में क्यों नहीं आता, मेरे को कोच बना दो भाई, मैं पूरा 11 नंबर तक बल्लेबाजी रखूंगा और अमेलिया केर गार्डनर इन सबको पूरा 4 ओवर दूंगा, इससे बेस्ट टीम तो है ही नहीं। इनको क्या लगता है कि सारे सारे प्लेयर को ऊपर ऊपर भेज दो तो अपन मैच जीत जाएंगे। बल्कि वर्ल्ड की जो सबसे सक्सेसफुल टीम है वो सीएसके की टीम थी, ठीक है, वो हमेशा आखिरी में मैच जीतती थी। अगर आप नोटिस करो, धोनी नीचे आते थे, जडेजा नीचे आते थे, ड्वेन ब्रावो नीचे आते थे, इसके अलावा इसके पास ना जाने कितने प्लेयर थे, सब नीचे में बैटिंग करने आते थे, 6वें 7वें 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग आती थी, ठीक है। स्टार्ट में आपके राजस्थान ने भी जीता था, उसने यूसुफ पठान को आखिरी में बैटिंग देते थे। तो टीमें इसलिए जीतती हैं क्योंकि नीचे के आपके पास प्लेयर होने चाहिए, तो आप नीचे में पोलार्ड जैसे प्लेयर हो, नीचे में आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर हो जो मैच जिता सके। आप शुरू में ही 4 सबको भेज दोगे तो आखिरी में तो कोलैप्स करेगी टीम, तो ये एक मेजर पॉइंट है, ठीक है। बाकी अभी मैं फिर से आपको यही चीज समझाऊंगा, मेरे हिसाब से पर्थ, क्योंकि सोफी डिवाइन का लक चल रहा है, रेनेगेड्स में अभी भी रहूंगा, पर सोफी मेलेंगे चोटिल है, इसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ, और एक मैच जो 2 रन से हारे ना, इसको बहुत खलेगा। जो तीसरी टीम हमारी रहेगी वो फिलहाल अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, यही 2 टीम मेरे को अब लग रही है आखिरी तक जाने के लिए। मैं इसको भी उतना नहीं आंक रहा, ये गलतियां पे गलतियां कर रही हैं, जानबूझ के हारते हैं ये लोग, आप मानो चाहे मत मानो, ये दोनों टीम में तो अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है। सिडनी सिक्सर्स मेरे को उतनी पसंद है नहीं, होबार्ट अच्छा कर रहे हैं पर हर साल एंड में तो रद्दी करते हैं, शुरू में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी कुछ प्लेयर के जाने से सारी टीमें कमजोर हो जाएंगी। आपको ये मालूम होना चाहिए साउथ अफ्रीका के जितने भी प्लेयर हैं, आपके इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर हैं, सब चले जाएंगे, मतलब इंग्लैंड इंग्लैंड के तो एक एक नंबर के प्लेयर हैं इसमें, सोफिया कैलस्टन वगैरह तो खेलेगी नहीं आखिरी के मैचेस, ठीक है, तो ये तो टीम नहीं जाने वाली। पर्थ में अगर आप देखो तो सोफी डिवाइन चली जाएगी, है ना, नहीं सोफी डिवाइन क्यों जाएगी, वो तो न्यूजीलैंड की है, ठीक है। तो पर्थ अच्छी है, रेनेगेड्स अच्छी है, मेरे को लग रहा है यही दोनों मैं एंड तक अब देखना पसंद करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा डीप डिस्कशन मैंने किया अपने हिसाब से, बस इतना ही है, बस मैं इतना ही बोलूंगा। तो अभी जो एक नए नए टूर्नामेंट्स आएंगे उससे हम लोग पिक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं काफ़ी डाउन था, मैंने नहीं बना पाया वीडियो, अभी वीडियो बना भी रहा हूँ तो पता नहीं कैसे प्रेडिक्शन जा रहे हैं मेरे, ठीक है। पूरा ट्राई करूंगा अब जो नए टूर्नामेंट है उसको स्टार्ट करने का। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ वीडियो बंद करने से पहले, आज से आपका नामीबिया T20 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी मैंने वहाँ पहले दिया करता था वहाँ पर SB में, ठीक है। तो इसके मैचेस भी अच्छे होते हैं, ज़्यादा मैच नहीं, जो छोटा सा टूर्नामेंट होता है उसके मैच हमेशा अच्छे बनते हैं। इसके 12 T20 है, ठीक है। तो ये जो 4 टीम है हमारे पास तो नहीं आई है, ठीक है, एक टीम आप वीडियो बंद कर सकते हो, ठीक है, बंदे को, ठीक है। तो एक टीम में आपके, तो मेरे पास फिलहाल टीम तो नहीं है, बट मैचेस अच्छे बनेंगे उसके भी, कास्टल T20 नाम है उसका, अगर आ गया वहाँ पर तो आपको कम से कम 12 में से लिख के रख लो, 6 मैच बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे टूर्नामेंट को आपको पिक करना है, इग्नोर नहीं करना, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा। अपने समय पे मैच है 1 बजे के लगभग और 6 बजे के लगभग, और ये इनके जो मैचेस होते हैं बहुत सॉलिड होते हैं नामीबिया T20 के, वहाँ जो पिचेस टफ होती है वहाँ 120-120 रन भी डिफेंड होते हैं, और ईजी पिच पे 200 रन चेज भी होते हैं, तो वो बस पिच पिच की बात होती है, बाकी मैं आपको प्रिडिक कर दूंगा। बहुत तगड़ा टूर्नामेंट होने वाला है आपका, 12 मैच अच्छे बनेंगे, सारी टीमें इक्वल मान के चलो, ठीक है, जो होगा बाकी मैं आपको बता दूंगा। और तो कुछ बोलना नहीं है दोस्तों, अभी के लिए चलता हूँ।